persecuted. Yeah. But किसी दूसरे देश के मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश नॉट श्रीलंका तो आपको फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी और आपको फॉरेनर्स एक्ट का असर नहीं पड़ेगा यानी कि आपको डिटेंशन कैंप में नहीं जाना पड़ेगा लेकिन आपका वोट देने का राइट चला जाएगा क्योंकि आपको शरणार्थी घोषित किया गया आपको शरणार्थी तो अगर मैं एक देहात का गांव का हिंदू हूँ जिसके दादा पर दादा पर दादा वहाँ पे खेती कर रहे हैं वहाँ पे रह रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई ली है लेकिन मैं अपने दादी जी के कोई कागज नहीं दिखा सकता तो मैं डिटेंशन कैंप में नहीं जाऊंगा लेकिन मेरे वोट देने का हक चला जाएगा अब आप इसका असर देखिए सबको मालूम है एक शहर में या एक स्टेट में सबको मालूम है ये एसपी के सपोर्टर है ये बीएसपी के सपोर्टर है इस रीजन से बीजेपी की वोट चलती है तो जहाँ भी आपके ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं एनआरसी में रूल डाल दो ये कागज दिखाओ आप उस पूरे एरिया के हिंदू लोगों के भी वोट खत्म कर सकते हैं क्योंकि आप कहेंगे पहले आप एफिडेविट डालो कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो आप शरणार्थी हो जब मेरे दादा पर दादा हिंदुस्तानी है तो मैं क्यों एफिडेविट डालूं मैं शरणार्थी तो ये जो गलत फहमी इसीलिए यहाँ पे बड़े सारे अंकल है जो यहाँ पे शोर मचा रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई लोगों तक नहीं पहुँच रही है तो सच्चाई ये है कि एनआरसी में आपका पासपोर्ट किसी मायने नहीं रखता आपका आधार कार्ड किसी मायने नहीं रखता आपका वोटर आईडी किसी मायने नहीं रखता अगर 1951 की डेट डाली जाए मेरे दादा पर दादा तो लाहौर से आए थे हम हिंदुस्तान में एंट्री कैसे दिखाएं? जब वो आए थे वो कैंपों में ठहरे थे उनको क्लेम में जो कागज मिले थे आज डेट में वो क्लेम का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया गया है उसके सारे कागज डिस्ट्रॉय हो गए हैं सो ये एनआरसी सीएए केवल माइनॉरिटीज को नहीं मेजॉरिटी को भी अफेक्ट करता है आपका वोट का हक चला जाएगा और आपको अपने आप को दूसरे देश का शरणार्थी बताना पड़ेगा और फिर जब आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करोगे आप सिटीजन बन जाओगे नहीं करोगे तब कोई ना कोई आपको हमको तो सबको मालूम है कि सरकारी डिपार्टमेंट में अपना खुद का वो भी पटवारी सबसे छोटा वाला देखिए एनआरसी में आपको एसडीएम के पास या एनआरसी के डिपार्टमेंट के पास अपने कागज दिखाने हैं डिपार्टमेंट वाला अगर बेईमान निकला अगर वो ऑनेस्ट है ठीक है मैंने अपनी दादी जी का दिखाया कितने लोगों के आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे आधार कार्ड में तो आई एम अ मेल आई एम नॉट इवन अ फीमेल और उस मेल से फीमेल बनने के लिए मेरे को इतने धक्के खाने पड़ रहे जबकि मैं एक वकील हूँ सो अगर मैं ये कागज लेके एनआरसी के डिपार्टमेंट में जाऊँ अरे आपकी स्पेलिंग तो गलत है बर्थ सर्टिफिकेट में अरे भैया मैं क्या करूँ मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ जो सरकारी दफ्तर में सर्टिफिकेट दे दिया उसको लेके मैं आ गई सो अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक के कारण आपकी सिटीजनशिप जा सकती है तो ये लड़ाई किसी धर्म के लिए नहीं है किसी उसके लिए नहीं है ये लड़ाई केवल हमारे देश के लिए है हमारे हिंदुस्तान के लिए है उस हिंदुस्तान के लिए है जो हमारे सबके एंसेस्टर्स ने बनाया है अब मैं लास्ट बात कहूंगी महिलाओं के लिए ये महिलाओं के बिल्कुल अगेंस्ट एक्ट क्योंकि हम सबको मालूम है 90% महिलाएं या तो घर में काम करती हैं या खेत में बिना किसी पट्टे के काम करती हैं क्योंकि महिलाओं को हमारे देश में प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो हमारे देश की 80% महिलाएं हमारी माएं हमारी दादियां हमारी बहनें हमारी बीवियां हमारी बेटियां उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है आदमियों के पास प्रॉपर्टी है वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि वो कहती है भाई को भेज दो बेटे को भेज दो वो अस्पताल में बच्चे भी नहीं पैदा करती खर्चा हटाओ हस्बैंड की ट्रीटमेंट कराओ अब आप ऐसी महिलाओं से कहते हैं
मुझे एक सरकारी कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तानी हो, वो कहाँ से दिखाएंगी? तो ये लड़ाई महिलाओं के लिए है, आपकी माओ के लिए है, आपकी दादी के लिए है। मेरी दादी के पास कोई कागज नहीं है दिखाने के लिए कि वो हिंदुस्तानी है। वो ना कभी स्कूल गई थी, उनके फादर की प्रॉपर्टी थी, फिर हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, उनके पास सिर्फ एक सबूत है, उनका पासपोर्ट जो था अब वो भी नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। तो क्या आप मेरी दादी को ये कहोगे कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो? सो ये लड़ाई हर हिंदुस्तानी के लिए है, और जो इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता, जो उंगलियां दिखा दिखा के बिना कुछ पढ़े दूसरे को झूठा कहलाना चाहता है, उस आदमी को घर जाके अपने घर की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनको खुद अपनी माँ दादी के नाम के कोई कागज नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके फादर्स ने कभी उनको कोई कागज दिया ही नहीं। सो नाउ आप मैं इस बात को एक मिनट ग्राउंड पे लाना चाहती हूँ, एक ये कह के इस ये रूल्स हैं सिटीजनशिप रूल्स 2003 जिनमें एनआरसी के बारे में और एनपीआर के बारे में पूरा लॉ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जो लोएस्ट स्टेट ऑफिसर है उसके पास, वो अनपढ़ पटवारी के पास ये पावर होगी कि वो आपको संदिग्ध नागरिक दे सकता है। किस बात पे वो आपको संदिग्ध कहेगा उसका इसमें कोई मेंशन नहीं है, उसकी मर्जी है वो आपको संदिग्ध बोलेगा नहीं बोलेगा, और एक बार आने के बाद फ्यूचर में फिर से संदिग्ध बोल सकता है। कहीं नहीं लिखा है कि एक बार आपका नाम आ गया तो क्या फ्यूचर में आपका नाम इसमें से निकाला नहीं जा सकता। दैट मेक्स हिम योर न्यू भगवान। क्या पटवारी हमारा नया भगवान बनना चाहता है क्या? कितनी घूस खाएगा वो लोगों से उसका किसी का भी यहाँ नाम डालने के लिए और बाद में उसे ना निकालने के लिए? ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हम लोगों के लिए। इस बात का कोई